क्या अभय चौटाला फिर इस्तीफा देंगे? अगर देंगे तो क्यों देंगे? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि नेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला ने कहा कि अगर किसान कहेंगे तो अभय चौटाला फिर से इस्तीफा दे देंगे। देखिए रिपोर्ट में। इलाहाबाद उपचुनाव को ज्यादा दिन नहीं बीते हैं, ऐसे में एक बार फिर से अभय चौटाला के इस्तीफे को लेकर ताजा बयान इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला ने दिया है। फतेहाबाद में पहुंचे ओपी चौटाला ने कहा, अभय चौटाला ने लोगों के कहने से पहले ही किसानों के हित में इस्तीफा दे दिया था, अब अगर फिर किसान कहेंगे तो अभय इस्तीफा दे देंगे। ओपी चौटाला ने दावा किया कि इनेलो किसानों के संघर्ष में उनके साथ है। अभय चौटाला जी का कहना है कि अब वो दोबारा किसानों के बीच में जाएंगे, अगर दोबारा इस्तीफा देना पड़ा तो दे सकते हैं, तो इस पर ये भी कोई कहने की बात है कि आगे दिए तो आगे क्यों नहीं देगा? लोगों के कहने से पहले इस्तीफा दिया था, लोग कहेंगे तो फिर दे देंगे। ओपी चौटाला ने आरोप लगाया कि उपचुनाव में सरकार ने अपने हथकंडों को अपनाया, सरकारी तंत्र का गलत इस्तेमाल किया गया, फिर भी लोगों ने इनेलो का साथ दिया। अब की सरकार ने हर नाजायज हरबा इस्तेमाल किया, खुलेआम पैसे से वोट खरीदे, सरकारी तंत्र का पूरा दुरुपयोग किया गया और इस छावनी बना दिया था इलाहाबाद का। उसके बावजूद हालत ये थी कि मतदाताओं ने गांव में उनको घुसने नहीं दिया, लोगों ने बहुत हिम्मत से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रत्याशी की मदद की। इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला ने महंगाई के मुद्दे को लेकर भी सरकार को घेरा, महंगी खाद, महंगे गैस सिलेंडर के साथ पेट्रोल डीजल के बहाने सरकार पर तंज कसा। कोई भी तो चीज नहीं है ना, एक खाद की बात छोड़ो, रसोई गैस के सिलेंडर नहीं मिल, जो चीज किसान उत्पादन करता है वो तो कोई खरीदता नहीं, और उस उत्पादन से जो प्रोडक्ट आगे बढ़ता है उसके दाम बढ़ते जा रहे हैं। बेहिसाबे दाम बढ़ा करके अगर कुछ घटाने का प्रयास करेंगे तो उससे कोई फायदा थोड़ा ही मिलेगा, तो लोगों को मूर्ख बनाने की बात। ओपी चौटाला ने कहा है, सरकार ने पेट्रोल डीजल में पहले बेतहाशा इजाफा किया और फिर मामूली कटौती कर वाहवाही बटोरने का काम किया। उन्होंने महंगाई के बहाने सरकार पर निशाना साधा। ओपी चौटाला ने कहा, महंगाई की वजह से खाद समेत गैस सिलेंडर और खाने पीने की चीजें महंगी हो चुकी हैं। जनता महंगाई की वजह से परेशान है, महंगाई के बहाने उन्होंने सरकार पर हमला बोला। ओपी चौटाला ने आरोप लगाया कि पेट्रोल डीजल के दाम में मामूली कटौती कर सरकार वाहवाही लूट रही है। जसपाल सिंह, फतेहाबाद, खबरें अभी तक।